और अब आप देखिए उल्टे पांव जा रही है, बिल्कुल आप देखिए कि ये कंट्रोल दिखाने के बाद अब ये उल्टे पांव जा रही है और उल्टे पांव में भी ये करतब दिखा रही है। पढ़ाई अच्छी लगती है आपको? अभी तो पैसा नहीं है अंकल जी, तो स्कूल के लिए फीस भरने के लिए। ये भी बात सही है, तो सरकार कोई मदद नहीं करती आपकी वहाँ? वो क्या मदद करेगी, सब देखते हैं खाने के लिए, सब के जनता के लिए पैसा लूट लेंगे लेकिन सरकार नहीं देंगे। वाह कितनी बड़ी बात की इस बिटिया ने वाकई में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक नन्ही सी गुड़िया जो महज 14 साल की है और इसका नाम ज्योति है, किस प्रकार से उस ज्योति की इस रस्सी पर कंट्रोल है, ये अपने पेट के लिए किस प्रकार से यहाँ पर जुगाड़ कर रहे हैं, किस प्रकार से अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, अपनी कंट्रोलिंग दिखा रहे हैं, जिससे कुछ लोग इनको देखने के लिए आए और इनको कुछ पैसे दे ताकि इनका घर चल सके। ये तस्वीरें आप बाड़मेर से देख रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि एक पतली सी रस्सी है और उस रस्सी पर एक गुड़िया जो है अपना कर्तव्य दिखा रही है और लोगों को मनोरंजन कर रही है ताकि लोग यहाँ पर पहुंचे, उनका कर्तव्य देखें और इनको पैसे दें। आप देख यकीन मानिए, ये रस्सी आपको नजर आ रही है और रस्सी पर एक थाली रखी है, उस थाली के ऊपर इस गुड़िया के पैर और उस थाली को इशारों से ये गुड़िया अपने पैर के अंगूठों से चला रही है और फिर आगे धीरे धीरे आगे निकल रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं इस गुड़िया के हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो बिटिया हैं ये लगातार यहाँ पर गेम दिखा रही है, कर्तव्य दिखा रही है और लोग इसको देखने के लिए भी आएंगे और जो कोई इसको इनाम दे वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पहुंच रहे हैं और बिटिया के नाम पर इसको इनाम भी दे रहे हैं। वाकई में ये इनाम के काबिल है। आप एक यकीन मानिए कि किस प्रकार से एक छोटी सी रस्सी पर ये गुड़िया चल रही है, हालांकि ये अलग अलग गाने बजाते हैं और जब हमने वीडियो शुरू किया तो यहाँ देखो एक छोटा इसका भाई भी है, गुड़िया का ज्योति का भाई है। इधर देखो बेटा, क्या नाम है आपका? गोविंद। कहाँ से हो गोविंद आप? छत्तीसगढ़ से। तो ये क्या गुड़िया, इसका नाम क्या है? ज्योति है। कब से ये ऐसा करती है? ये तो 7 साल से। 7 साल की थी तब से ये इस प्रकार का ये गेम करती है। तो क्या फिर कोई लोग पैसे वैसे देते हैं? कोई लोग परेशान भी करते होंगे आप लोगों को? क्या कहते हैं आपको? खेला रहे ये भी बात सही है, तो पढ़ाते क्यों नहीं हो? पैसे वैसे हमारे पास तो इसके अलावा कुछ ही नहीं है। अच्छा गेम के हमारी जात ही ऐसी है। जात ही ऐसी है, तो आप पूरा परिवार में सब लोग करते हैं या ये अकेली करती है? नहीं सब करते हैं। सब करते, तो डर नहीं लगता इसको? ये कहती नहीं मैं गिर जाऊंगी? नहीं। ऐसा कभी होता है कि ये गिरी भी हो, नीचे गिरी, ऐसा कभी होता है? नहीं कभी नहीं होता है। तो कहाँ से सीखते हैं? जब ये सिखाते हैं ना, जब ही गिरती है इसके बाद सीख जाती है ना, इसके बाद ये सिखाते कहाँ पे? अपने घर पे सिखाते हो? फिर कैसे ये रोजाना रूटीन होता है, ट्रेनिंग रोज करते हैं? हाँ। प्रैक्टिस करते हैं रोज? ये बड़ा है ना तो उससे छोटा बनाते हैं, जैसे हाइट है। अच्छा इसकी हाइट कितनी और लंबाई कितनी है इसकी? हाँ? ये कितनी हाइट पर है? ये 10 फुट। 10 फुट और इसे लंबा कितना है? 30 फुट। आप देखिए अब मैं ज्योति से बात, ये नीचे आएगी उसके बाद बात करूँ या ऊपर बात कर सकता हूँ? आप देखिए ये ज्योति है, मैं नहीं चाहूंगा कि ये ऊपर से इसका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाए, ये धीरे धीरे जैसे आगे आएगी तो मैं ज्योति से भी बात करूंगा और इसे जानने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए 10 फीट की हाइट पर एक 14 साल की गुड़िया किस प्रकार से अपना इस प्रकार का कंट्रोल है कि ये रस्सी पर जा रही है और लोग इसको देखने के लिए भी आ रहे हैं और लगातार इसकी हौसला अफजाई के लिए भी आ रहे हैं, इसको पैसे भी दे रहे हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और आपको इस प्रकार की देखिए मजबूर लोग होते हैं। जैसा मैंने इसके भाई गोविंद से बात की तो उन्होंने कहा हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, हमें पैसे मिलते हैं, मैच दिन पूरा करते हैं, 200-300 रुपए मिलते हैं जिससे हमारा घर चलता है, हम लोग खाना खाते हैं, ऐसे में हम कैसे पढ़ाएं? ऐसे में सरकार को और तमाम उन लोगों को आगे आना चाहिए जो इस प्रकार के लोग हैं, उनको पढ़ाने के लिए आगे आएं कि बिटिया जो है आप देखिए कि किस प्रकार से एक रस्सी के सहारे अपना गेम दिखा रही है और लोग इसको देखने के लिए भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो बाड़मेर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और उससे पहले चाहूंगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। अब देखिए ये इसने थाली फेंक दी है और अब ये इस रस्सी के सहारे यहाँ से नीचे आएगी, हम लोग इनसे बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस बच्ची बेटी का कंट्रोल है और इसके रस्सी के सहारे पूरा घूम के आए हैं। इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका बेटा? ज्योति। ज्योति वाह बहुत अच्छा किया आपने, कैसे कर लेती हो ये?
हम लोग सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं, कहाँ से सीखते हो आप लोग? हम लोग घर पे सीखते हैं। अच्छा, डर नहीं लगता बेटा आपको ये सब करने में? नहीं। कितनी उम्र की थी जब से आप ये लोग कर रहे हैं? 7 साल से उम्र। 7 साल से कर रहे हैं, आनंद आता है ये सब करने में? कितने पैसे मिल जाते हैं बेटा, दिन पूरा करते हो फिर पैसे मिलते हैं या कुछ नहीं मिलता है? हो जाता है 1200। 1200 रुपए कमा लेते, पूरा परिवार उससे चलता है आपका? अच्छा, पढ़ाई का मन नहीं होता? मेरे छोटे छोटे दो भाई पढ़ाई करते, मैं नहीं करती। आप उन सबका पालन पोषण आप ही करते हैं? हाँ। घर आप चलाते हैं? हाँ। ये आपका भाई है? हाँ। अच्छा, तो कहाँ कहाँ आप करते हैं ये सब गेम, कहाँ कहाँ दिखाते हैं? हर जगह करते हैं, दिल्ली, बम्बई, गोवा, सब जगह जाते हैं। अच्छा, लोग तालियां बजाते हैं जब आप गेम करते? लोग तालियां बजाते हैं? कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप इस थाली के ऊपर घूमते हो या फिर ऐसे ही पैदल भी घूम जाते हैं? पैदल भी घूम जाते हैं। हमें दिखाएंगे एक बार घूम के? चलो, अब हमको ज्योति, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि थाली पर घूम रही थी और अब ये सीधे पैरों पर चलेगी। चलो चल के दिखाओ। अब आप देखिए, ज्योति जो है अब सिर्फ इस रस्सी पर पैरों पर चलेगी और लोग जो है वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे वीडियो बनाने के लिए, आप देखिए कितनी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, सब लोग इसको देखने के लिए आए हैं। कुछ लोगों से मैं बात भी करूंगा। सर, कितना अच्छा लगता है जब छोटी सी गुड़िया इस प्रकार से रस्सी पर चलती है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितने ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, पढ़ाएं, पढ़ाई का धंधा देना चाहिए हर तरीके से। बिल्कुल, आप देखिए लोग बहुत पसंद इनको करते हैं कि देखिए कितना अच्छा कंट्रोल है। अब आप देखिए कि ये गुड़िया जो ज्योति है वो इस रस्सी पर बिना किसी सहारे इस प्रकार का कंट्रोल करेगी और ये चलेगी। अब देखिए आप कि किस प्रकार से ये गुड़िया, अब आप यकीन मानिए सब लोग तालियां बजाएं। मैं चाहता हूँ यहाँ सब जितने भी खड़े हैं सब लोग तालियां बजाएं इस बिटिया के लिए। और आप देख सकते हैं ये बिटिया किस प्रकार से यहाँ से इस रस्सी के सहारे यहाँ पर जा रही है। कंट्रोल देखिए आप इस गुड़िया का। एक रस्सी जो करीब 30 फीट तक लंबी है और 10 फीट की हाइट है, उस हाइट पर ये बिटिया रस्सी के सहारे। और ये देखिए, ये होता है कंट्रोल, ये होता है कर्तव्य। आप देखिए रस्सी के ऊपर डांस कर रही है, इस प्रकार का कर्तव्य कर रही है और इसी कर्तव्य के चलते लोग इसे इनाम भी दे रहे हैं, पुरस्कार भी दे रहे हैं। वाकई में सैल्यूट है इस बच्ची के कंट्रोल को, इसके भाई को। और आप देखिए ये जो गुड़िया है ये किस प्रकार से यहाँ पर कंट्रोल करके अपने आप के शरीर को बैलेंस करके ये जय हिंद लगाया है, जय हिंद किया है, सैल्यूट किया है इस देश को। और अब ये आगे आगे निकल रही है, लोग इसको कर्तव्य देखने के लिए इसको पैसे भी दे रहे हैं, इनाम भी दे रहे हैं। मैं तमाम हमारे दर्शक हैं उनसे चाहूंगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करें और उसके बाद हमारे जितने भी दर्शक हैं कहीं पर भी आपको ऐसे बच्चे जो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, अपना कंट्रोल दिखाते हैं, उनका हौसला अफजाई। और अब आप देखिए उल्टे पांव जा रही है, बिल्कुल आप देखिए कि ये कंट्रोल दिखाने के बाद अब ये उल्टे पांव जा रही है और उल्टे पांव में भी ये कर्तव्य दिखा रही है। वाकई में आप देख सकते हैं कि ये बिटिया जो होती हैं, ये देखो ये सब लोग जो हैं वो इस बिटिया के नाम का इनाम दे रहे हैं। इससे कई बच्चे छोटे छोटे उल्टे पांव घूमे और अब आप यहाँ गेम दिखाने के बाद धीरे धीरे ये गुड़िया जो है वो आगे इस पिलर तक आएगी। वाकई में ये कंट्रोल होता है। ये महज 14 साल की ये ज्योति जो है, छत्तीसगढ़ की है, ये ज्योति का भाई गोविंद, दोनों यहाँ पर आते हैं, गाना बजाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग इनका गेम देखने आते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि ये अपना पूरा 5 से 30 फीट तक की लंबी रस्सी तक ये पैरों से चलकर आई और अब ये यहाँ से नीचे उतरेगी। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, बिटिया के हौसला अफजाई के लिए वीडियो को शेयर कर दें आप जितने भी दर्शक हैं। देखिए 30 फीट की लंबी रस्सी है, ज्योति एक बार फिर नीचे आ गई। ज्योति बेटा इधर देखो। अच्छा, तो ये कहाँ से सीखते हो आप ये सब, ऐसे जब रस्सी पर ऐसे बिना आप किसी को पकड़े और ऐसे निकल जाते हो? क्योंकि पहले सीखते हैं तो इतने ऊंचाई नहीं करते ना, छोटे छोटे करते हैं। हाँ। फिर थोड़ा थोड़ा सीख जाते ना तो फिर ऊंचाई करते हैं। अच्छा, फिर उल्टे पांव भी जा रहे थे आप? तो बैलेंस सीखना पड़ता है। बैलेंस सीखना पड़ता है, वाह। तो 7 साल की थी जब से आप ये कर रहे हैं? अच्छा, अब क्या आगे इस प्रकार के और कर्तव्य दिखाने, बड़ा बनना है, क्या करना है? अब भगवान जाने क्या बनेंगे, भगवान जाने क्या बनेंगे। पढ़ाई अच्छी लगती है आपको? अभी तो पैसा नहीं है अंकल जी, तो स्कूल के लिए फीस भरने के लिए। ये भी बात सही है। तो सरकार कोई मदद नहीं करती आपकी वहाँ? वो क्या मदद करेगी, सब देखते हैं। खाने के लिए सब के जनता के लिए पैसा लूट लेंगे लेकिन सरकार नहीं देंगे। वाह, कितनी बड़ी बात की इस बिटिया ने। वाकई में
खाने के लिए लूटने के लिए पैसे करते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए गरीब लोगों के लिए कोई नहीं आगे आता है। मैं तमाम उन लोगों से कहूंगा, छत्तीसगढ़ की सरकार के लोग जो देख रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि इस प्रकार की जो बिटियाएं हैं उनके हौसला अफजाई के लिए, उनको पढ़ाने के लिए आगे आएं। बिटिया ने 14 साल की बेटी ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमारे लिए कोई आगे नहीं आता। हम उम्मीद करते हैं कि ये बिटिया पढ़ें, आगे बढ़ें और इसी प्रकार पढ़ाई के साथ साथ अपने कर्तव्य भी दिखाती रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जितने भी दर्शक हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।